हेलो गाइस, वेलकम टू एटॉमिक स्टडी। आज हम इसरो के टेक्नीशियन बी के इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। इस वीडियो से पहले भी मैंने अब तक जितने भी इसरो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक टेक्नीशियन बी के एग्ज़ाम हुए हैं उनकी क्वेश्चन सीरीज़ को सॉल्व किया है और आगे भी करता रहूँगा। सो इफ़ यू वॉन्ट टू चेक दिस क्वेश्चन पेपर then you can view in my previous video. So let's begin. As you can see on the screen, the first question is ki at a resonance of series RLC circuit, यानी कि श्रेणी RLC परिपथ के अनुनाद पर, इसमें पूछ रहे क्या होता है। पहला है क्वेश्चन ऑप्शन की कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टेंस, या फिर कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, या सी ऑप्शन है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज ज़ीरो, या फिर डी ऑप्शन है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड रेजिस्टेंस। तो पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सीरीज RLC सर्किट है उसमें कौन सी फिनोमिना जो है घटती है। तो इसका राइट आंसर है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो होता है RLC सर्किट में वो इंडक्टिव रिएक्टेंस के इक्वल हो जाता है। ओके, तो फर्स्ट का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि RLC सर्किट में कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस, धारिता प्रतिघात प्रेरणीय प्रतिघात के समान होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम धारिता प्रतिरोध की बात प्रतिघात की बात करें तो इसका जो यूनिट होता है वो ओम होता है, और प्रेरक इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी यूनिट ओम होता है। इसका फॉर्मूला होता है धारिता प्रतिघात, यानी कि XC का फॉर्मूला होता है 1/2πfC। ओके, और अगर हम इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है XL इज इक्वल टू 2πfL। ओके, वेयर F इज़ अ फ्रिक्वेंसी और L क्या है, इंडक्टेंस है। यहाँ पे कैपेसिटिव रिएक्टेंस में C क्या है, कैपेसिटेंस है। इन दोनों की यूनिट ओम होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इम्प्योरिटी टू बी एडेड टू सिलिकॉन टू मेक एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, यानी कि ये पूछ रहा है कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम कौन सी इम्प्योरिटी मिलाते हैं। इम्प्योरिटी का मतलब समझ लेते हैं क्या होता है। इम्प्योरिटी होता है किसी भी सेमीकंडक्टर में बाहर से वो एटम जो उस सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा दे, यानी कि उसकी चालकता को 10 times इंक्रीज कर दे बाय द एडिंग ऑफ ओनली 1 electron, इज कॉल्ड इम्प्योरिटी। जब हम किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर में हम आइदर पेंटावेलेंट और ट्राईवेलेंट एटम की डोपिंग करते हैं, तो उसमें अगर पेंटावेलेंट वाला डोपिंग करते हैं, यानी कि सिलिकॉन है आपका टेट्रावेलेंट, ओके, जैसे ये सिलिकॉन है आपका, इसके आउटर मोस्ट सेल में आपके 4 electron होते हैं, तो ये है आपका टेट्रावेलेंट। अगर हम इसमें एक पेंटावेलेंट सेमीकंडक्टर यानी कि फॉस्फोरस, 5 पेंटावेलेंट मतलब इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 electron है, इसकी डोपिंग कर दें, तो 4 electron फॉस्फोरस के सिलिकॉन के 4 electron के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे और फॉस्फोरस का 1 electron रह जाएगा। तो इसी एक्स्ट्रा नंबर, दिस एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ करंट। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन बच जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन की कंडक्टिविटी मतलब सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी को बढ़ा देता है। तो इसने पूछ रहा है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी डोपिंग करते हैं, तो डेफिनेटली जो है पी की डोपिंग, मतलब यानी कि फॉस्फोरस की डोपिंग करते हैं। यहाँ पे फॉस्फोरस ऑप्शन नहीं है, तो मैंने आपको बताया कि कोई भी पेंटावेलेंट हम इसमें ऐड कर सकते हैं, तो इसमें हम जो है ऑर्सेनिक भी ऐड कर सकते हैं। ऑर्सेनिक इज ऑल्सो अ पेंटावेलेंट सेमीकंडक्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड का, कि ऑर्सेनिक की डोपिंग की जाती है एन टाइप के सेमीकंडक्टर में, या फिर फॉस्फोरस की भी डोपिंग की जाती है एन टाइप के सेमीकंडक्टर में। अगर हम एल्यूमिनियम, बोरोन और गैलियम इन तीनों की बात करें, तो इनके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ओनली 3 electron इज देयर इन एल्यूमिनियम। तो इसकी अगर डोपिंग हम सिलिकॉन में करते हैं तो यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, क्योंकि सिलिकॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। दीज 3 electron आर मेकिंग कोवलेंट बॉन्ड विथ 3 electron ऑफ सिलिकॉन, लेकिन एक जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, और इस कमी को हम होल कहते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज को होल कहते हैं।
इसे हिंदी में कोटर या वीवर कहते हैं। यहाँ पे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, इसे होल कहते हैं। और इस टाइप के सेमीकंडक्टर को हम क्या कहते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो सेकंड का राइट आंसर आपका था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मेन एप्लीकेशन ऑफ 555 आईसी, यानी कि ये 5555 आईसी का यूज़ क्या है। तो ये एक टाइमर आईसी है और इसका प्रयोग जो है हम मेनली टाइमर के रूप में करते हैं। तो थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन एलईडी इमिट्स लाइट व्हेन इट इज़ फॉरवर्ड बायस, अनबायस, नॉन ऑफ दिस, रिवर्स बायस। एक एलईडी किस बायस में कनेक्ट होती है, तो इसमें करंट फ्लो होता है, यानी कि लाइट को इमिट करती है, उत्सर्जित करती है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि सिर्फ दो ही डायोड ऐसे हैं जो कि फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होते हैं। फर्स्ट इज एलईडी और सेकंड इज टनल डायोड। टनल डायोड, ये दो डायोड हैं जो फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट होते हैं। बाकी दुनिया के जितने भी डायोड हैं वो रिवर्स बायस में कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे एलईडी की बात कर रहा है, तो ऑब्वियसली एलईडी कौन सी बायस में होगा, अग्र बायस, यानी कि फॉरवर्ड बायस में। फॉरवर्ड बायस होता क्या है, फॉरवर्ड बायस होता है कि जब, जैसे ये सिलिकॉन है, सॉरी सेमी कंडक्टर है, जब सेमी कंडक्टर के हम पी पार्ट को, पी वाले, ये इसका है एनोड, ये है इसका कैथोड, तो हम जब एनोड को जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं बैटरी के, तो इसे हम कौन सी बायसिंग कहते हैं, फॉरवर्ड बायसिंग। और जब एनोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा जाता है तो ये कहलाती है रिवर्स बायसिंग। तो हम एलईडी और टनल डायोड के ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करेंगे, और बाकी जितने भी डायोड हैं लाइक जीनर डायोड, फोटो डायोड, वैरेक्टर डायोड, स्कोटकी डायोड, दिस ऑल विल बी कनेक्टेड इन रिवर्स बायस। तो फोर्थ का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जर्मेनियम डायोड की वोल्टता में कटौती है, कट इन वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम डायोड इज, ये पूछ रहा है कि जर्मेनियम डायोड का जो कट इन वोल्टेज है, यानी कि इसका पोटेंशियल बैरियर है, वो कितना होता है। तो इसका पोटेंशियल बैरियर होता है जर्मेनियम के लिए होता है ये 0.3 वोल्ट। सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 वोल्ट। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कट इन वोल्टेज ऑफ जर्मेनियम डायोड, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, तो फिफ्थ का राइट आंसर है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच इज़ द मोस्ट डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी फॉर एन इंसुलेटर, यानी कि इंसुलेटर का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या होता है। तो हम सबको पता है कि जो इंसुलेटर होते हैं वो करंट का कंडक्शन नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि उसमें फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, बिल्कुल नेग्लेजिबल होते हैं। तो जैसे ही हम उसमें करंट फ्लो कर इलेक्ट्रिक सप्लाई देंगे, करंट फ्लो नहीं होगा। तो इस पे पूछ रहा है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इसका हो जाएगा हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, यानी कि डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ मतलब ऐसा स्पेस जहाँ पे करंट फ्लो करने में बहुत इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। तो इंसुलेटर में क्या होता है, हाई डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। ओके, तो सिक्स्थ का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, इंसुलेटर में उच्च परावैद्युत शक्ति होती है। ओके, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर, इनमें से कौन सा जो है इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। प्रिंटर आप सब लोग जानते होंगे, प्रिंटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये दो तरह के होते हैं प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसमें पूछ रहा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन सा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवन्थ का, कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है ये नॉन इम्पैक्ट, सॉरी ये इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आता है। बाकी जो सारी कैटेगरी है जैसे लाइक लेज़र प्रिंटर हो गया, इंकजेट प्रिंटर हो गया और बबल जेट प्रिंटर होगा, ये सब नॉन इम्पैक्ट के अंदर आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी, इनमें से कौन सा जो है नेटवर्क टोपोलॉजी में नहीं आता है। तो अगर हम स्टार कनेक्शन, सॉरी स्टार टोपोलॉजी की बात करें, रिंग टोपोलॉजी की बात करें, बस टोपोलॉजी की बात करें, तो ये सारे क्या हैं, ये कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी के अंदर आते हैं। ओके, जबकि ये जो डेजी चेन है, अब समझते हैं कि डेजी चेन क्या होता है। ओके, तो डेजी चेन,
तो अगर डेजी चेन की बात करें तो ये एक वायरिंग का जो प्रोपेगेंडा होता है, इसमें जो है ये एक वायरिंग स्कीम है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस को एक सीक्वेंस में कनेक्ट करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8th का, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, वन सेकेंड, ये था हमारा 8th क्वेश्चन, राइट। ये था कि कौन सा इसमें से कॉमन नेटवर्क टोपोलॉजी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डेजी चेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज, नेक्स्ट है कि विच मेटल हैज़ हाईएस्ट कंडक्टिविटी। पूछ रहा है इसमें से कि कौन सी मेटल की जो है कंडक्टिविटी यानी कि चालकता बहुत ज़्यादा होती है। ऑप्शन में है सोना, तांबा, लोहा और सिल्वर। अगर हम इन, ये सभी जो हैं कंडक्टर हैं, लेकिन पूछ रहा है कि किसकी हाईएस्ट होती है। तो अगर हम इनकी कंडक्टिविटी की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे क्या आता है, सिल्वर, यानी कि चांदी की कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9th का, डी, सिल्वर। उसके बाद जो है गोल्ड, यानी कि सेकंड नंबर पे क्या आता है, गोल्ड, यानी कि सोने की कंडक्टिविटी हाई होती है। थर्ड नंबर पे आता है आपका कॉपर और फोर्थ पे आता है आयरन। तो इसका राइट आंसर क्या है, सिल्वर, सिल्वर की कंडक्टिविटी हाई होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंसुलेटर हैज़ अ बेटर कैपेबिलिटी विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर। इनमें से कौन सा इंसुलेटर है जो हाई टेम्परेचर को भी बियर कर सकता है, रजिस्ट कर सकता है। तो हमें पता है टेफ्लॉन जो है एक बहुत ही टफ मटेरियल है जो मैक्सिमम टेम्परेचर को बियर कर सकता है, बहुत ज़्यादा आग को झेल सकता है ये। अगर हम पीवीसी की बात करें तो पीवीसी का यूज हम जो घरों के वायर होते हैं उनमें किया जाता है, और अगर हम उनमें इससे माचिस की तीली भी टच कर दें तो वो पिघल जाते हैं। तो पॉलीविनाइल आपका नहीं है, यानी कि ये थोड़े ही टेम्परेचर पे पिघल जाता है। अगर हम वल्कनाइज इंसुलेटेड रबर की बात करें तो ये भी जल जाते हैं, और कागज़ तो का फायर कैचिंग होता है, ये छोटे से भी चिंगारी से जल उठता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, टेफ्लोन इज़ अ बेटर कैपेबिलिटी विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर। ओके, तो 10th का राइट आंसर हो जाएगा आपका टेफ्लोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट ट्रिगर मोड इज़ यूज्ड फॉर कंप्यूटिंग अ सिंगल पल्स इन अ ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप को हम ट्रिगर करने के लिए कौन सा मोड यूज़ करते हैं, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मल मोड, यानी कि बी, हम साधारण मोड में ही ऑसिलोस्कोप को ट्रिगर करते हैं। अगला क्वेश्चन है मैथ का है, तो इसे हम देख लेते हैं। ये पूछ रहा है कि √27 माइनस √12 और प्लस √3, इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम √73 को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, यानी कि ये आपका बन जाएगा 3 3 में से निकल गया 3√3। ओके, और माइनस 12 को लिख सकते हैं हम, ये 4 3 जा 12 आ जाएगा, और 4 को रूट से बाहर निकालेंगे तो 2 2√3, राइट। और इसका हो जाएगा प्लस, ये है आपका जैसे है एसटी लिख देंगे 3√3। तो इस 3√3 यहाँ पे भी है और 3√3 यहाँ पे भी है, ये दोनों 3√3 प्लस 3√3 इज इक्वल टू 6√3, और 6√3 में से हम माइनस 2√3 घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 4√3। ओके, तो 12 का जो है राइट आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ओके, इसका आ जाएगा 4√3। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1.5 वोल्ट 2 एम्पियर आवर पर रेट किए हुए सेल का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा संरूपण 6 वोल्ट बैटरी को 4 एम्पियर आवर दे सकता है। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ। इसने इसने कहा है कि एक 1.5 वोल्ट 2 एम्पियर रेटिंग का एक सेल है। ओके, हम कितने सेल्स का यूज करें कि हमें आउटपुट पे 6 वोल्ट की जो है वोल्टेज और 4 एम्पियर आवर्स का जो है हमें करंट प्राप्त हो। ओके, इसकी कैपेसिटी 4 एम्पियर आवर हो, ऐसा हमें बैटरी चाहिए। तो हम कितना 1.5 वोल्ट का सेल लें और उसकी कॉम्बिनेशन क्या होगी, ये भी पूछ रहा है। तो जैसा कि इसमें दे रखा है कि 1.5 वोल्ट है, तो 1.5 वोल्ट को हम अगर 4 टाइम ऐड करें, ये हो गया 1.5 प्लस 1.5 प्लस 1.5
5 और प्लस 1.5, तो ये आपका आ जाएगा 6 वोल्ट। हमें 6 वोल्ट तो हो गई मिल प्राप्त हो गया वोल्टेज, लेकिन रेटिंग कह रहा है हमें कि 4 एम्पियर होनी चाहिए। इसकी अगर रेटिंग कितनी है, 2 एम्पियर। तो 2 एम्पियर को 4 एम्पियर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इतनी ही वोल्ट की बैटरी इसके पैरेलल में कनेक्ट करना पड़ेगा ताकि ये दोनों जो हैं 6 वोल्ट मिलके और 4 एम्पियर की रेटिंग दे पाएँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम जो है 1.5, हम है 1.5 वोल्ट की 4 बैटरी सीरीज में जोड़ेंगे, ओके, और ऐसे ही ठीक 4 बैटरी इसके पैरेलल में जोड़ देंगे। तो हमें क्या प्राप्त होगा आउटपुट पे, यहाँ से हमें 2 एम्पियर 6 वोल्ट प्राप्त होगा और यहाँ से 2 एम्पियर 6 वोल्ट प्राप्त होगा, यानी कि फाइनली हमें कितने वोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो 13th का राइट आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे दे रखा है 2, 1 सेकेंड, 2 पैरेलल रो ऑफ 4 सेल इन सीरीज, यानी कि 2 आपके रो होंगे जो एक दूसरे के समांतर होंगे और 4 सेल जुड़े होंगे जो आपस में सीरीज में होंगे। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें आउटपुट पे 6 वोल्ट की वोल्टता प्राप्त होगी और 4 एम्पियर आवर्स की रेटिंग प्राप्त होगी, यानी कि इसकी इफिशियंसी होगी 4। तो 13th का राइट आंसर है आपका सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन सर्किट बिटवीन टर्मिनल्स ए एंड बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है डायग्राम दे रखा है एक, और पूछ रहा है कि इसको सॉल्व करके और ए और बी के बीच में कितना जो है रेजिस्टेंस है वो फाइंड कीजिए। तो हम देख लेते हैं, ये जो है एक कॉम्बिनेशन सर्किट है, यानी कि इसमें सीरीज भी है और पैरेलल में भी कनेक्टेड है। तो इसको हम यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि भी देख पा रहे हैं, ये 200 वोल्ट, 200 ओम और 200 ओम, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में पैरेलल में हैं, और पैरेलल में हैं तो क्या इसका फॉर्मूला होता है, पैरेलल के लिए रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, राइट, ये इसका फॉर्मूला होता है। अगर हम इन दोनों को पुट करें वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1/200 प्लस 1/200, यानी कि 2/200, यानी कि ये 2 से 1 टाइम्स चला गया तो ये हो जाएगा 100। तो 1/R इज इक्वल टू 1/100, तो R इज इक्वल टू 100, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, इन दोनों को सॉल्व करने पे क्या आ गया हमारे यहाँ पे 100। अब ये देखिए कि ये है 100 और ये यहाँ पे है 100, और ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में, और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो ये 100 और ये 100 जुड़ के आपस में क्या बन गए, 200। ओके, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये पूरा जो लाइन है ये क्या बन गया, 200। ओके, अब सेम जैसे हमने यहाँ पे किया था 200 प्लस 200 इज इक्वल टू 100, वैसे ही यहाँ पे हम कर लेंगे 100 प्लस 100, ये पैरेलल में है इसलिए इनका हाफ हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 50। समझ में आ रहा है ना कैसे हुआ, मैं करके बता देता हूँ, 100 प्लस 1/100, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2/100, यानी कि 50। ओके, तो यहाँ की क्या वैल्यू आ गई, 50। अब देखिए ये है आपका 50, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 आया है, और ये भी है आपका 50, और ये दोनों किस में है, सीरीज में है, तो ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगे, 100। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या था, 200, यहाँ पे क्या है, 100 ओम, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है, तो सीरीज में जुड़ के क्या हो जाएंगे, 300, यानी कि ये पूरा जो सर्किट है इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 300 ओम। तो हम इसको एक एक सर्किट बना के लिख लेते हैं यहाँ पे, ये पूरा जो सर्किट था ये, इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, 300, राइट। तो ये है आपकी वैल्यू 300, और यहाँ पे दे रखा है 300, और ये दोनों पैरेलल में हैं आपस में। ओके, तो सेम वैसे ही कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/300 प्लस 1/300, तो 2/300 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 150, राइट। तो ए और बी के बीच की जो है रेजिस्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, 150। तो 14th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
एन एएम डी मॉड्यूलेशन टेक्निक इज, जो हम ये पूछ रहा है कि जो एएम की डी मॉड्यूलेशन टेक्निक है, डी मॉड्यूलेशन का मतलब होता है कि कैरियर वेव से जो है हमारा सिग्नल वेव को अलग करने की जो टेक्निक है। मॉड्यूलेशन का मतलब मैं समझा देता हूँ, मॉड्यूलेशन का मतलब होता है सुपर इम्पोजिशन ऑफ कैरियर वेव इनटू सिग्नल वेव, यानी कि हम जो सिग्नल वेव है उसमें हम कैरियर वेव की क्या कर देते हैं, इंटरमिक्सिंग कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। और डी मॉड्यूलेशन क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ मॉड्यूलेशन, यानी कि कैरियर वेव से सिग्नल वेव को अलग करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं डी मॉड्यूलेशन। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एएम डी मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होती है, तो मतलब कैसे होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15th का आपका, कि इसका जो एनवलप डिटेक्टर है इस तरीके से हम एएम डी मॉड्यूलेशन करते हैं। तो 15th का राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि साइन एक्स के संबंध में कोस एक्स का अवकलन कीजिए। ओके, तो ये डिफरेंशिएशन पूछ रहा है, ये मैथमेटिक्स का है। तो हम कर देंगे कोस एक्स का डेरिवेटिव्स ऑफ कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू साइन एक्स। ओके, तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे डी अपॉन डी साइन एक्स, और इसका हम अगर सॉरी इसका डिफरेंशिएशन का सिंबल ऐसे होता है, इसका डिफरेंशिएशन करने पे हमें मिल जाएगा क्या, 16th का है आपका माइनस का 10x, कोस अपॉन ये आ जाएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ कोस डी डी कोस एक्स अपॉन डी साइन एक्स। इसका डेरिवेशन करेंगे हम तो इसका अवकलन करने पे माइनस 10x आ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटपुट ऑफ 12 वोल्ट SMPS इज मॉनिटर्ड इन एन ऑसिलोस्कोप विथ AC कपलिंग। ओके, इनेबल्ड विद द अप्रोप्रिएट सेटिंग ऑफ टाइम बेस एंड एम्पलीट्यूड, व्हाट विल बी द वेव फॉर्म ऑब्जर्व इन द ऑसिलोस्कोप। मैं क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर हम ऑसिलोस्कोप को 12 वोल्ट की, ये हमारा ऑसिलोस्कोप समझ लीजिए, 1 सेकेंड, हाँ ये ऑसिलोस्कोप है हमारा, अगर हम इसे 12 वोल्ट की AC सप्लाई देते हैं तो हमारा जो DC पे व्हाट विल बी द वेव फॉर्म ऑब्जर्व इन द ऑसिलोस्कोप, जो उसके आउटपुट पे वेव फॉर्म प्राप्त होगा वो क्या होगा, ये क्वेश्चन ने पूछ रहा है। तो हमें पता है कि ऑसिलोस्कोप की हम अगर इनपुट में AC देते हैं तो उसका आउटपुट में रिपल जो आता है, रिपल आता है, रिपल का मतलब क्या होता है कि अमाउंट ऑफ AC प्रेजेंट इन DC। ओके, इसे हम बोलते हैं रिपल, हिंदी में बोलते हैं उर्मिका। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि इसमें क्या फाउंड होगा, ये पूछ रहा है 0 वोल्ट होगा कि 12 वोल्ट DC ही होगा, जो एसटीज देंगे वही प्राप्त हो जाएगा, या फिर जो है 12 वोल्ट DC विथ रिपल होगा या रिपल होगा। तो इसका राइट आंसर है कि इसके आउटपुट पे हमें रिपल अलोन प्राप्त होगा, यानी कि हमें रिपल प्राप्त होगा, यानी कि जो हमारा DC प्राप्त तो होगा लेकिन उसमें अमाउंट ऑफ ACs विल बी प्रेजेंट। तो इसका राइट आंसर है आपका डी, ऑसिलोस्कोप के इनपुट पे 12 वोल्ट आप AC देंगे तो उसमें रिपल आएगा आउटपुट पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वें का कि 270 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस परास में तापमान का माप करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर द मेजरिंग टेम्परेचर इन रेंज 270 डिग्री सेल्सियस टू 1700 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है RTD, ताप विद्युत थर्मोकपल RTD। हाँ, इसका आंसर है RTD। ये पूछ रहा है कि 227 डिग्री से 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को बियर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं। तो हमें पता है कि RTD जो है हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका RTD। ओके, अगर RTD के फुल फॉर्म की बात करूं मैं, तो RTD का फुल फॉर्म क्या होता है, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ओके, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। तो 18th का राइट आंसर हो जाएगा कि हम RTD यूज़ करते हैं 270 से 1700 डिग्री सेल्सियस तक की टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम द सर्किट यूज टू एड अ DC कंपोनेंट टू एन AC सिग्नल सो दैट इट्स पॉजिटिव पीक कोइंसाइड्स विल जीरो विदाउट चेंजिंग द वेव शेप।
ये पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी सर्किट है, ओके, ऐसी कौन सी सर्किट है जो कि अगर हम डीसी कंपोनेंट देते हैं, ठीक है, तो उसका जो है शेप में बिना चेंज हुए, राइट, विदाउट जीरो चेंजिंग ऑफ द शेप टू एन एसी सिग्नल पॉजिटिव पीक कोइंसिडेंस। यानी कि ये पूछ रहा है कि अगर हम यहाँ से इसको सिग्नल देते हैं तो ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इसको एक लेवल तक शिफ्ट कर देती है। यानी कि इसको, ये आपका टी था, ये टी लेवल था और यहाँ पे आपका टी लेवल है, तो इसे इंक्रीज डिक्रीज नहीं करती, इसके फॉर्म को चेंज नहीं करती, बस इसकी लेवल को चेंज कर देती है। ऐसी कौन सी डिवाइस है ये पूछ रहा है। तो हमें पता है कि इसका राइट आंसर है 19th का ऑप्शन से, चेक कर लेते हैं क्या होगा, क्लिपर है कि रेक्टिफायर है कि चॉपर है कि क्लैम्पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लैम्पर। क्लैम्पर का क्या काम है, किसी भी डीसी लेवल को शिफ्ट करना, आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन। यानी कि अगर हम यहाँ पे एक एसी सिग्नल दें, यहाँ पे एक क्लिपर लगा हुआ है, क्लिपर सर्किट है ये आपका, राइट, यहाँ पे एक सीरीज में जो है कैपेसिटर जुड़ा होता है क्लिपर सर्किट के। अगर हम यहाँ इसके आउटपुट की बात करें तो ये इसके लेवल को क्या करेगा, आइदर शिफ्ट कर देगा पॉजिटिव डायरेक्शन में और नेगेटिव डायरेक्शन में। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ 19th क्वेश्चन, इट विल बी क्लैम्पर सर्किट। अगर हम क्लिपर की बात करें तो क्लिपर का क्या काम होता है, क्लिपर किसी भी सर्किट के सिग्नल को कट कर देती है, ओके। अगर रेक्टिफायर की बात करें तो रेक्टिफायर क्या करता है, ओनली एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ओके। और अगर चॉपर की बात करें तो ये एक इंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ओके। तो 19th का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्लैम्पर सर्किट, जो कि डीसी लेवल को शिफ्ट करता है आइदर इन पॉजिटिव डायरेक्शन और इन नेगेटिव डायरेक्शन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द डीसी करंट गेन इन कॉमन कलेक्टर कॉन्फिग्रेशन। ये पूछ रहा है कि कॉमन कलेक्टर कॉन्फिग्रेशन का जो डीसी गेन होता है वो क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फिग्रेशन का जो डीसी गेन है, सॉरी डीसी करंट गेन है, तो करंट गेन होता है गामा इज इक्वल टू क्या होता है, आईसी, कलेक्टर करंट है ना, तो कलेक्टर ये होगा, तो इनपुट इसका हो जाएगा बेस, आउटपुट हो जाएगा इसका इमीटर, हाँ, तो इसका हो जाएगा आई अपॉन IB, राइट, गामा ये होता है। तो इसमें पूछ रहा है, इसमें ऑप्शन दे रखा है कि अल्फा होता है कि बीटा होता है कि बीटा प्लस वन होता है कि अल्फा प्लस वन होता है, हमें पता है गामा होता है, और गामा इज इक्वल टू तीन फॉर्मूले होते हैं। तो गामा का पहला फॉर्मूला होता है या तो ये हो जाएगा बीटा प्लस वन, या फिर दूसरा इसका फॉर्मूला होता है वो होता है बीटा अपॉन अल्फा, और एक तीसरा फॉर्मूला होता है गामा का वो होता है वन अपॉन वन माइनस अल्फा। ये अल्फा बीटा गामा तीनों के रिलेशन से निकाला गया है। वैसे इसका होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट करंट जो होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में, आउटपुट करंट होती है आपका इमीटर करंट और इनपुट करंट होता है बेस करंट, यानी कि आई ई अपॉन IB, ये इसका होता है फॉर्मूला। लेकिन ये रिलेशन के टर्म में पूछ दिया है तो हम इसके इसी के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीटा प्लस वन, यानी कि गामा इज इक्वल टू होता है आपका बीटा प्लस वन। ये हो गया आपका करंट गेन ऑफ CCC, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से होकर 200 माइक्रोवेबर का अभिवाह संक्रमण, अभिवाह संक्रमण मतलब फ्लक्स जो है, फ्लक्स डेंसिटी, यहाँ पे फ्लक्स को अभिवाह बोला है, करता है अभिवाह घनत्व, यहाँ ये फ्लक्स डेंसिटी कितना होगा। यहाँ पे एक सिंपल से क्वेश्चन है, इसकी एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ क्या पूछ रहा है। ये क्वेश्चन ने पूछ रहा है कि यहाँ पे फाई की वैल्यू जो है दे रखी है इसने, फाई इज इक्वल टू दे रखा है 200 माइक्रो वेबर, राइट, और एरिया दे रखा है आपका 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। पूछ रहा है ये कि बी क्या होगा, फ्लक्स डेंसिटी क्या होगा। हमें फॉर्मूला पता है कि बी इज इक्वल टू होता है फाई बाई ए, यहाँ पे फाई की वैल्यू दे रखी है 200, ए की वैल्यू दे रखी है 2, ये सेंटीमीटर में, इसे मीटर में चेंज करके वैल्यू पुट कर दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी क्या, 200 अपॉन, इसको 2 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², 2 × 10⁻², 2 × 10⁻²।
और यहाँ पे ये माइक्रो दे रखा है, तो ये हो जाएगा इंटू 10 to the power -6। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 1 टेस्ला। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 टेस्ला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द आउटपुट ऑफ 3 इनपुट NAND गेट इज अ लॉजिक एट लॉजिक 0 इनपुट ऑफ NAND गेट आर। ये पूछ रहा है कि NAND गेट का आउटपुट जो है 0 है और इसके इनपुट जो है क्या होंगे। ओके, तो हमें पता है कि जो 22 का क्वेश्चन है, इसका NAND गेट में क्या होता है, NAND गेट में होता है कि सभी इनपुट अगर सेम होंगे तो आउटपुट विल बी 0। ओके, तो अगर ये तीनों 0 होते तो इसका नहीं हो पाता। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अगर तीनों इनपुट हाई हैं तो ओनली एंड ओनली NAND गेट में आउटपुट 0 होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। NAND गेट होता क्या है पहले समझ लेते हैं। NAND गेट होता है एंड गेट का अपोजिट। एंड गेट में क्या होता है, इनटू होता है, तो अगर हम इसके इनपुट की बात करें 1 1 1, अगर 1 × 1 × 1 मल्टीप्लाई करें, तो अगर ये NAND एंड गेट होता तो इसका आंसर हो जाता एक। लेकिन NAND गेट में क्या होता है, एंड का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 0। तो NAND गेट में इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अ फेज लॉक्ड लूप्ड कैन बी यूज टू डीमोडुलेट। यानी कि ये पूछ रहा है कि फेज लॉक्ड लूप है वो डीमोडुलेशन में यूज होता है, किसके डीमोडुलेशन में यूज होता है, AM सिग्नल के मॉड्यूलेशन के लिए यूज होता है, या पल्स कोड मॉड्यूलेशन के लिए, या फिर फ्रिक्वेंसी के लिए, या फिर पल्स एम्पलीट्यूड के लिए। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल के लिए है, जो है हम फेज लॉक्ड लूप यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 8051 माइक्रो कंट्रोलर हैज़ विच नंबर ऑफ 16 बिट रजिस्टर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। वाई? बिकॉज 2, जो 2 बिट का जो 8051 माइक्रो कंट्रोल है उसमें 2 नंबर होते हैं 16 बिट के रजिस्टर में। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 16 बिट के रजिस्टर में 2 नंबर होते हैं 8051 माइक्रो कंट्रोलर में। सो 24th का सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलईडी विथ कट इन वोल्टेज 1.8 वोल्ट इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट सप्लाई विथ 1 किलो ओम रजिस्टर, एज्यूम दैट एलईडी इज ग्लोविंग, कैलकुलेट द करंट थ्रू एलईडी। ये पूछ रहा है कि एक एलईडी दे रखा है, यहाँ पे एक एलईडी है और इसका जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल बैरियर है, वो है 1.8 वोल्ट, और इसे हमने कनेक्ट कर दिया है 12 वोल्ट की सप्लाई से। ये है क्या है, 12 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस कितना है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोड़ लेते हैं, वो है 1 किलो ओम। पूछ रहा है ये कि करंट क्या होगा, आई पूछ रहा है, राइट। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है V/R। हमें V की वैल्यू दे रखी है, V कितना दे रखा है, 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट में से माइनस हो जाएगा 1.8 वोल्ट, तो 12 - 1.8 वोल्ट, तो 12 में से हमें 1.8 घटा दिया तो बच गया क्या, 10.2 वोल्ट। तो 10.2 वोल्ट वोल्टेज आ गया, और ये कितना दे रखा है, 1 ओम, तो अपॉन 1000। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर आ जाएगा, 1 सेकेंड, हाँ इसका राइट आंसर आ जाएगा 25th का, 25th का राइट आंसर आ जाएगा 10.2 mA। ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कन्फॉर्मल कोटिंग मटेरियल। इनमें से कौन सा जो है कन्फॉर्मल कोटिंग मटेरियल नहीं है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन रेजिन, पॉली पैराक्सिनाइल, पॉली पैराक्सिलिन, और तीसरा है पॉलिल यूथरेलिन रेजिन, और चौथा है पॉली टेट्रा फ्लोराइड, पॉली
पोली टेट्रा फ्लोरो इथिलीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26th का, यही है। ये जो पोली टेट्रा फ्लोरो थेलीन है वो कन्फॉर्मल कोटिंग के लिए यूज़ नहीं होता है, बोल लिया मैंने, पोली टेट्रा फ्लोरो थेलीन। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है 27 का, फाइंड द वोल्टेज एट नोड ए इन गिवन आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर सर्किट। ओके, तो 27th का ये क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका नोड पे आउटपुट वोल्टेज क्या होगा। नोड इसका ये है ए, ये देखा है ना, तो पूछ रहा है कि ए नोड पे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर सर्किट में वोल्टेज क्या होगा। यहाँ पे 2 वोल्ट दे रखा है। एक चीज़ यहाँ पे हम देखते हैं कि ये इसने अर्थ कर दिया है, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। यहाँ पे अर्थिंग है, तो जो ए पॉइंट है यहाँ पे, तो अर्थिंग में क्या वोल्टेज होता है, 0। तो इसको कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही देख सकते हैं कि नोड पे क्या ए की वैल्यू क्या है, 0 वोल्ट, क्योंकि ये अर्थिंग है। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमें 0 वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि अ पल्स ट्रेन हैज़ 200 माइक्रो सेकेंड ऑन टाइम एंड 800 माइक्रो सेकेंड ऑफ टाइम, द ड्यूटी साइकिल इज। आप समझते हैं कि ड्यूटी साइकिल होता क्या है। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हमें जो ऑन टाइम दे रखा है किसी पल्स ट्रेन का, कोई जैसे मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे कोई यहाँ पे सिग्नल जा रहा है, राइट। तो इसमें पल्स जो ऑन टाइम इसका है, जब ये ऑन होता है उस समय टाइम क्या लेता है, 200 माइक्रो सेकेंड, और इसका ऑफ टाइम क्या है, 800 माइक्रो सेकेंड। तो पूछ रहे ड्यूटी साइकिल क्या होता है। अब हम समझते हैं ड्यूटी साइकिल है क्या चीज़। ड्यूटी साइकिल होता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, उपयोगिता अनुपात, उपयोगिता अनुपात। अब उपयोगिता अनुपात क्या है कि जितने टाइम में, जितने टाइम में कोई मशीन एक्टिव रहती है उसे हम क्या कहते हैं, ड्यूटी साइकिल। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के लिए हम समझें कि मान लो कोई बल्ब है जो 24 घंटे, 24 घंटे का अगर समय लें तो कोई बल्ब 24 घंटे में 6 घंटे जो है जलता है, तो इसकी ड्यूटी साइकिल क्या हो जाएगी, 6/24, यानी कि 24 में से कितने घंटे चला, 6 घंटे चला। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ऑन टाइम दे रखा है 200 माइक्रो सेकेंड, ऑफ टाइम दे रखा है 800 माइक्रो सेकेंड, टोटल टाइम कितना हो गया, 800 माइक्रो सेकेंड + 200 माइक्रो सेकेंड, यानी कि 1000 माइक्रो सेकेंड। ओके, ये टोटल टाइम हो गया। अब पूछ रहा है कि ऑन टाइम इसका कितना है, 200 माइक्रो सेकेंड, तो इसको 200 माइक्रो सेकेंड में टोटल माइक्रो सेकेंड से, तो ये इसको डिवाइड कर लेंगे तो 2 से 2 गया और ये हो जाएगा 2 × 5 = 10। ये इसको पॉइंट आगे आ जाएगा, तो इसका कितना आ गया आंसर, यहाँ पे चूंकि परसेंटेज में दे रखा है वैल्यू, तो हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो ये आज आपका आ जाएगा परसेंटेज की वैल्यू, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 20%। ओके, एक बार फिर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 200 अपॉन दिस, ओके, 200 800, 1000 × 100%, राइट। 3 से 3 गया, इससे ये गया, ये कितना बच गया आपका, 20%। ओके, समझ में आ गया। तो इसका 28 का राइट आंसर हो जाएगा 20%। तो ड्यूटी साइकिल क्या है कि एक्टिव टाइम अपॉन टोटल टाइम इंटू 100 इज कॉल्ड ड्यूटी साइकिल, इसका फॉर्मूला ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आइडेंटिफाई द सर्किट गिवन बिलो, ये कौन सी सर्किट है हमें पहचाना है कि ये नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है कि इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है कि स्मिट ट्रिगर है कि इंटीग्रेटर है, क्या है ये। तो जैसा कि मैं बता दूं कि ये जो है, ये सर्किट जो दिखाई दे रहा है ये स्मिट ट्रिगर है। पहचान क्या है, स्मिट ट्रिगर जो होते हैं इसकी मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आपको, कि स्मिट ट्रिगर एक कंपैरेटर सर्किट है जो पॉजिटिव फीडबैक के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या है, स्किम ट्रिगर, ये उसी का डायग्राम है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द कलर कोड फॉर 560 ohm + -5% रजिस्टर, यानी कि इस रजिस्टर के लिए क्या कलर कोड क्या है, ये पूछ रहा है।
तो हमने जो कार्बन कोडिंग मैंने अपने जो प्रीवियस वीडियो में बताया, आप उसमें जाके विजिट कर सकते हैं, उसमें एक कार्बन कोडिंग के लिए यूज़ करते हैं बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, वेयरिंग सिल्वर एंड गोल्ड। ओके, तो इस फॉर्मूले से अगर हम निकालें तो इसका जो 5 का जो नंबर आता है 5 के लिए, वो यूज होता है 5 इज़ यूज्ड फॉर ग्रीन, राइट। जो 6 यूज होता है हमारा ब्लू के लिए, राइट। 0 0 जो होता है ब्राउन के लिए, और 5+ 5% यूज होता है गोल्ड के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और ग्रे, यानी कि 13th का राइट आंसर हो जाएगा आपका हरा, नीला, भूरा और ये गोल्डन। तो इसके आंसर में देख लेते हैं, हरा हरा, हाँ ये जो है आपका डी एस का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें है ग्रीन, ब्लू, ब्राउन और गोल्ड। तो इसकी कार्बन कोडिंग क्या हो जाएगी, ये +-5 वोल्ट जो है 5% है ये गोल्ड के लिए। अगर यहाँ पे सिल्वर होता तो ये हो जाता +-10%। अगर कोई कलर नहीं होता तो हम इसके टॉलरेंस कितने लेते हैं, 20%, ये इसका होता है। इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है कार्बन कोडिंग की। तो इस क्वेश्चन को अगर डीपली समझना है तो यू कैन विजिट दोज वीडियो इन विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन द कार्बन कोडिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ हेक्सा डेसिमल ए बी, ये यहाँ पे बाइनरी का क्वेश्चन पूछ रखा है, हेक्सा डेसिमल टू बाइनरी। ए बी को जो अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो क्या होगा, तो हमें पता है कि ए टर्म यूज होता है किसके लिए, 10 के लिए, राइट, और बी यूज होता है 11 के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या है, 10 11। लेकिन ये अभी किस में है, बाइनरी में है, तो इसको अगर हम हेक्सा डेसिमल बदल देंगे तो ये हो जाएगा, हेक्सा का मतलब क्या होता है, 16 होता है बेस उसका, तो ये हो जाएगा आपका 11 इंटू 16 की पावर 1 सॉरी 0, और प्लस हो जाएगा 10 इंटू 16 की पावर 1, तो ये आपका हो जाएगा 1, राइट, और ये हो जाएगा 160, राइट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, ये 31st, तो 31st का राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा 11 और ये 160। तो 11 और 160 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 171। ओके, समझ में आ गया। तो ये आपका हो जाएगा 171, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट फिल्टरिंग फंक्शन डज एन आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट परफॉर्म, यानी कि एक आरसी डिफरेंशियल सर्किट में कौन सा फिल्टरिंग फंक्शन परफॉर्म करती है। तो 32 का राइट आंसर है आपका बैंड पास, लो पास, हाई पास और बैंड स्टॉप। तो इसका राइट आंसर है हाई पास। हाई पास फिल्टर जो है आरसी डिफरेंशियल सर्किट में यूज होती है। ओके, तो 32 का राइट आंसर है हाई पास फिल्टर। हाई पास फिल्टर डिफरेंशियल सर्किट में यूज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का कि a+a₀ab बुलीय व्यंजक के समान है। एक एक्सप्रेशन दे रखा है, पूछ रहा है कि इसके इक्विवेलेंट कौन सा होगा। अगर हम यहाँ पे एक कंडीशन लेके चलते हैं, अगर इफ सपोज कीजिए अगर a की वैल्यू 1 है तो a₀ की वैल्यू क्या होगी, a₀ की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियसली 1 नहीं होगी, यानी कि 0 होगी। अगर इसका हम उल्टा करते हैं, अगर a की वैल्यू सपोज कर लीजिए 0 है तो a₀ की वैल्यू क्या होगी, 0 नहीं होगी। अगर हम कोई सा भी वैल्यू लेकर चलते हैं, अगर यहाँ पे 1 पुट करते हैं तो एक यहाँ पर a की वैल्यू 1 पुट कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली b की वैल्यू कुछ भी हो 0 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, a। अगर हम a को 0 पुट करते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, 1, यानी कि 1+0 करें या 0+1 करें, आंसर हमारा क्या आएगा, ऑलवेज 1 आएगा, यानी कि इन दोनों को जोड़ने पर सेम आंसर आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि a+a₀b इज इक्वल टू a+b होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी रोज आर रिक्वायर्ड इन ट्रुथ टेबल ऑफ 4 इनपुट 2 आउटपुट डिजिटल सर्किट। तो इसका ये पूछ रहा है कि कितने रो रिक्वायरमेंट हो गए एक ट्रुथ टेबल में। इसको बोलते हैं रो, नंबर ऑफ रो, जो ऐसे लाइनें होती हैं लेटी हुई, इसको रो बोलते हैं, जो ऐसे होते हैं इसे कॉलम बोलते हैं, राइट। वर्टिकली को कॉलम बोलते हैं और हॉरिजॉन्टल को रो बोलते हैं। तो पूछ रहे कितने रो होंगे किसी ट्रुथ टेबल में अगर
इसका इनपुट कितना है, 4 इनपुट है और आउटपुट कितना है, 2 है। तो आउटपुट से हमें मतलब ही नहीं है कोई, आउटपुट कितना भी हम इनपुट पे फोकस करते हैं। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है जो 34th है कि नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 2 की पावर n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ इनपुट। यहाँ पे नंबर ऑफ इनपुट कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 की पावर 4 कर देंगे, विच विल बी 16। तो इसका राइट आंसर क्या है कि हमें जो है 16 रो मिलेंगे अगर इनपुट कितने हैं, 4 हैं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि 0 से 255 तक के परास में दशमिक संख्या हो, यानी कि डेसिमल नंबर का प्रतिनिधित्व, यानी कि रिप्रेजेंट करने के लिए कितने बिट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसको सिंपल है, 0 से 225 है, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसका राइट आंसर आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा ऐसे 255 है, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और ये जगह 2 7 जा 14, और यहाँ पे 1 बिट बच गया है, राइट। ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये चल जाएगा आपका 63 टाइम्स, और यहाँ पे 1 बिट रह जाएगा। फिर यहाँ पे 2 से जाएंगे तो 2 3 जा 6, और 2 1 जा 2, यहाँ पे कितना बिट रह गया, 1 बिट रह गया। फिर अगेन इट विल बी गोइंग 15 टाइम्स 1, फिर यहाँ से 2 से करेंगे 7 टाइम्स, फिर 1, फिर 2 से करेंगे तो 3 टाइम्स, फिर 1, और फिर 2 से करेंगे तो 2, हाँ तो 1 बच जाएगा। तो कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गया ना। तो कितने टाइम्स हो गया, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 34th का, सॉरी 35 है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ सॉरी यहाँ पे 1 बच गया है, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ से नहीं दिख रहा है ये 8, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8। इसको सिंपल सा बिट में कन्वर्ट कर लेंगे, जितने भी बिट आएंगे उनको गिन लेंगे, तो ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर BGA, या BGA का मतलब होता है बॉल ग्रिड एरे पैकेजिंग। बॉल ग्रिड एरे पैकेजिंग में जो है क्या सत्य है, ये पूछ रहा है इसमें, क्या उसकी हाई पिन डेंसिटी होती है, या फिर लो थर्मल रेजिस्टेंस होता है, या लो लोड इंडक्टेंस होता है, या इजी सोल्डरेबिलिटी होती है, क्या होता है इसमें, ये पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है केवल ए सत्य है, या फिर केवल 1 2 एवं 3 तीनों हैं, या फिर 1 और 2 हैं, या फिर 1 2 3 हैं। ओके, ये पूछ रहा है इसमें कौन सा सत्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि केवल 1 2 और 3, राइट, ये तीनों जी हैं इसके सत्य हैं। बाकी इसमें इजी सोल्डरेबिलिटी नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है, यानी कि हाई पिन डेंसिटी होती है BGA में, लो थर्मल रेजिस्टेंस होता है, और लो लीड इंडक्टेंस होता है। समझते हैं BGA है क्या चीज़, व्हाट इज़ BGA। तो BGA जो है, BGA इज़ अ टाइप ऑफ सरफेस माउंट पैकेजिंग, जो हम PCB पे जो मर्ज जो सोल्ड उसमें चिपकाते हैं वो होता है। जो BGA है यूज फॉर IC, परमानेंट माउंट करने के लिए, IC को इसमें परमानेंटली चिपका दिया जाता है। इस पर आपने मोबाइल्स वगैरह में वो उसमें देखा होगा, माइक्रो प्रोसेसर में तो इसमें यूज होता है। ओके, तो ये होता है आपका BGA, यानी कि परमानेंट माउंटिंग ऑफ IC इज कॉल्ड BGA। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि द स्वीप जनरेटर ऑफ CRO इज यूज टू प्रोड्यूस, यानी कि ये पूछ रहा है कि एक CRO का जो स्वीप जनरेटर है किस लिए, क्या प्रोड्यूस करता है, और उसके आउटपुट पे कौन सी वेव देता है, ये पूछ रहा है। तो 37 का हो जाएगा स्क्वायर वेव ऑफ हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, स्क्वायर वेव ऑफ वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, शॉर्ट टूथ वेव ऑफ हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, या फिर शॉर्ट टूथ वेव फॉर वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ बीम, क्या देता है इसमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारा CRO है वो आउटपुट पर क्या देता है, सॉ टूथ वेव, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं आरा दांत वेव, हॉरिजेंटल डिफ्लेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन इज द डिप्लेशन रीजन ऑफ व्हेन इज द डिप्लेशन रीजन ऑफ PN जंक्शन फॉर्म्ड, PN जंक्शन का डिप्लेशन लेयर कब फॉर्म्ड होता है। ओके, तो हम इसका राइट आंसर करेंगे अलॉन्ग विद जंक्शन फॉर्मेशन ड्यूरिंग फॉरवर्ड बायस ड्यूरिंग हीटिंग, हाँ ये इसका राइट आंसर हो जाएगा,
हीटिंग के दौरान, जब हीटिंग होती है तो डिप्लेशन लेयर फॉर्मेशन होने लगता है। ओके तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इमिटर ऑफ पीएनपी ट्रांजिस्टर द मेजोरिटी कैरियर्स आर। पूछ रहा है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर में जो मेजोरिटी कैरियर होते हैं वो कौन से होते हैं, क्या वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, होल्स होते हैं। तो पीएनपी के नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे पी है, पी यहाँ पे प्रधान है, और पी टाइप के एक सेमीकंडक्टर में क्या मेजोरिटी कैरियर था, इसमें था होल्स। तो 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ओके और लास्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से लास्ट देख लेंगे। अगर 20 डिग्री सेल्सियस पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का प्रतीत धारा 3 मिली एम्पीयर है, तो 45 डिग्री एल पर प्रतीत धारा क्या होगा। ओके हाँ, क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्वेश्चन समझा देता हूँ कि यहाँ पे पूछ रहा है कि सॉरी, ये 40 क्वेश्चन रह गया हमारा, राइट। ये 41 है ना, 40 हुआ था ना, हाँ 40, 40 क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। अ ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर विथ प्रॉपर बैशिंग हैज़ द फॉलोइंग मेजर्ड पैरामीटर, इनपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम, आउटपुट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 10 ओम, एंड करंट गेन 90 ओम। तो कह रहा है कि आइडेंटिफाई द कॉन्फिग्रेशन। ये पूछ रहा है कि इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है 1 ओम है और आउटपुट 10 ओम है और करंट गेन 90 है। ये पूछ रहा है कौन सा कॉन्फिग्रेशन है। तो इसका कोई रूल नहीं है, फॉर्मूला नहीं है कि हम बता सकते हैं, लेकिन इसके सिंबल हैं। जैसे जो इसमें पूछ रहा है कॉमन बेस है कि कॉमन इमिटर है कि कॉमन कलेक्टर है कि कॉमन, तो हम इसके प्रॉपर्टी से पहचान लेते हैं। ये इसका इनपुट इम्पिडेंस क्या दे रखा है, 1 ओम, जबकि आउटपुट कितना देखा है, 10 ओम। इनपुट इम्पिडेंस किस कॉन्फिग्रेशन का लो होता है, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत लो वैल्यू है देन द 10 ओम। तो इनपुट इम्पिडेंस लो किस में होता है, कॉमन इमिटर में, राइट। आउटपुट इम्पिडेंस किसका ज़्यादा होता है, कॉमन इमिटर का। और अगर हम करंट गेन की बात करें तो ऑलवेज मोर देन यूनिटी, यानी कि एक से ज़्यादा होता है करंट गेन किसका, कॉमन इमिटर का। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कॉमन इमिटर, यानी कि कॉमन इमिटर में जो है इनपुट इम्पिडेंस लो होता है, आउटपुट इम्पिडेंस हाई होता है, और कॉमन इमिटर में करंट गेन जो होता है मोर देन यूनिटी होता है, एक से ज़्यादा होता है। तो 14th का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी। ओके तो ये आपके जो है इसरो का टेक्नीशियन बी का क्वेश्चन पेपर था। इसका अगला पार्ट जो है हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके तो इससे पहले भी मैंने कई सारी वीडियो बना रखी हैं इस पर, तो आप उसे जाके देख सकते हो। ओके और ओके गाइज, वी विल डिस्कस मोर इन द नेक्स्ट वीडियो। एंड जो है, यू आर इफ़ यू आर न्यू देन न्यू व्यूअर देन प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।